नमस्कार किसान भाई। किसान भाई आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आप पक्की डिग्गी बनावा 100x100 या 150x150 तो कितना खर्चो आसी। नॉर्मली आजकल हर एरिया में डिग्गी बन रही है, मेनी वाली डिग्गी जी मैं दोस्तों, वे थोड़ी लाइफ कम हो है पर ज़्यादातर भाई चलने के बाद सस्ती पड़े। इंटे वाली डिग्गी आजकल बहुत कम बन रही है, तो मैं थाने भैया दोनों बीच में डिफरेंस बताऊंगा। आज की आप डिग्गी देख रहे हैं आ है 150x150 की, इनमें खर्चे की बात करें तो खर्चों में आया है 15 लाख। तो नॉर्मल बात है 100x100 वाली डिग्गी बना सा भी में खर्चो आसी करीबन करीबन अपनों 10 लाख। और मेनी वाली डिग्गी की बात करा तो ईरे अलग अलग रेट है, अलग अलग कंपनी रो मेनी आवे। अब बात करा जी मेनी हो स्टार्टिंग 50,000 हो जावे, 1.5 लाख 2 लाख तक भी मेनी आवे। ईरी फर्क इतना होवे कि जी की 50,000 को मेनी आसी भी लाइफ होसी 2 साल, जी की 80,000 को मेनी आसी भी लाइफ होसी 3 साल। और बात करा जी 1.5 लाख वालों मेनी आवे बीरी हुए उम्र हुए 10 साल मिनिमम गारंटी लवे। जितनी यार गारंटी हुए मेनी यारी जी 2 साल की गारंटी है, जी की मेनी यार 50,000 की वैल्यू है, तो बीरी उम्र हुए करीबन 3 से 3.5-4 साल हाईएस्ट। अब जिक्र 10 साल जिकी गारंटी कंपनी ले रही है, बीरी उम्र 15-20 साल तक जावे आराम। तो कहना मतलब अगर ईरी बात करा तो ईरी उम्र है करीबन करा थोड़ी बहुत कोई अगर डैमेज हो गया तो रिपेयरिंग करा दो तो 100 साल बहुत हो गए, एक पीढ़ी से भी ज़्यादा मतलब कह सका कि काफ़ी लॉन्ग टाइम चल रहा है। और आज की डिग्गी बहुत बड़ी है, इनमें कभी कोई नुकसान दिक्कत को नहीं, इनमें देखो तारबंदी भी कोई जोरदार कर को ना कि अगर कोई पशु बढ़ जाए तो भी कोई या कोई निकाल सके, साइड में रंप बना रखे ताकि कोई पशु या कोई बंदो या कुछ भी दिक्कत होगी तो निकल जाए। भाई मेनी वाली डिग्गी में अच्छी चार दीवारी होनी चाहिए, नहीं तो कुदरती अगर पशु बढ़ जाए तो मेनी फाट भी सके। बाकी काफ़ी मजबूत हो गए, धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जावे। तो देखो जावे तो दोनों ही डिग्गियाँ बेस्ट है, पैसे रेसा वो इनमें पैसों ज़्यादा लगाना पड़े। सरकारी तरफ 100x100 डिग्गी रहा मिले अपने 3,40,000, इस बेसिक कौन मिले, पहला मिलता 3 लाख, अब मिल रहा है 3,40,000। तो देखा जाओ तो बाकी सारों आपने जेब भुगतना पड़े अगर आप पक्की बनावा। अगर मेनियर बनाओ तो सरकारी सारे पैसे में आ डिग्गी बन जावे मेनियर ले अगर आप बनावा। तो आशा करता हूँ था नॉलेज अच्छा लगा। अगर ही मैं तरफ कोई भी सवाल पूछना चाहूँ डिग्गी संबंधित या बोरवेल संबंधित तो कमेंट जरूर करें, मैं जल्द से जल्द थाने रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।